हाँ, तो हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो पहले वीडियो में था। अभी सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में आगे अगर हम बात करें, इसके पहले मैंने 3-4 उदाहरण दिखा दिए हैं। जो फॉर्मूला है वही है, एक्टिव वाइज का ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बाय प्लस एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट। अगर हम आगे बात करें, इससे पहले भी मैं एक चीज फिर से रिमाइंड आप लोगों को कर देना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे आपको वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और आप हमारे साथ में सीखते रहें, बढ़ते रहें। आते हैं हम आगे पॉइंट पे चलते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, अगर प्रश्नवाचक शब्द में एक्टिव वाइज दिया तो पैसिव वाइज में कैसे बदला जा सकता है? तो जैसे अगर हम बोर्ड पे देखेंगे, एक्टिव वाइज लिखा है व्हाई डू यू रीड दिस बुक, आप यह किताब क्यों पढ़ते हो? तो व्हाई, व्हाई जो है क्वेश्चन वर्ड है, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, रीड मेन वर्ब है, दिस बुक ये ऑब्जेक्ट है। अब हमने टेबल में पहले जो लिखा था, तो अगर हु दिया है तो उसका बाय हुम लिख दिया जाता, तो इसलिए यहाँ पे हु का एक्टिव से पैसिव में कनेक्ट टाइम पे बाय हुम लिख दिया जाता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, नियम के हिसाब से ऑब्जेक्ट कर्म को उतारेंगे, तो दिस बुक को उतार दिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, अब इज कहां से आया, दिस बुक एक वचन है इसलिए इसमें से इज लगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड। अब देखिए स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं है, लेकिन रीड इसको पढ़ा जाता है रीड रेड रेड, थर्ड फॉर्म है रेड, लेकिन स्पेलिंग वही होता है आर ई रेड। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो है क्वेश्चन वर्ड वाला कैसे बदला जाता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखने का, एक्टिव वॉइस में अगर वाई से बना है तो वाई का बाय हुम हो जाता है। दूसरा हम अगर आगे बात करें एक्टिव वॉइस से, दूसरा प्रश्नवाचक शब्द एक्टिव देखें, व्हाट डू यू राइट इन दिस बुक, आप इस किताब में क्या लिखते हो? तो हम इसमें फिर से ब्रेकअप अलग अलग करते हैं कर्ता क्रियाकर्म क्वेश्चन वर्ड का। तो व्हाट जो है क्वेश्चन वर्ड है, डू सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, यू सब्जेक्ट है, राइट जो है ये मेन वर्ब में मुख्य क्रिया पढ़ी जाती है, और इन दिस बुक ये जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये देखिए हम अगर बताएंगे, अब एक बात खास ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन वर्ड वाला रहता है प्रश्नवाचक शब्द से बना रहता है तो उसमें सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द ही उतारते हैं। जैसे यहाँ पे वाई, वाई का बाय हुम हुआ, यहाँ पे व्हाट का बाय व्हाट नहीं होगा, ध्यान रखना खाली वाई में ही बाय हुम होता है, बाकी और किसी दूसरे प्रश्नवाचक शब्द में बाय आगे नहीं लगता है। यहाँ पे व्हाट है तो सिर्फ व्हाट प्रश्नवाचक शब्द पहले उतर गया। इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी, ये हेल्पिंग वर्ब बदल जाता है, जैसे यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब बदल गया है इज लगा है, ऐसे व्हाट इज लिखे। अब इज कहां से डिसाइड हुआ, यहां से ऑब्जेक्ट से, तो व्हाट इज एक वचन, वहां पे इन दिस बुक एक वचन है इसलिए यहाँ पे इज लगा, और राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने उतार दिया इन दिस बुक, और बाय का बाय और सब्जेक्ट लास्ट में आ गया, तो व्हाट इज रिटन इन दिस बुक बाय यू। लास्ट एंड फाइनल एफर्मेटिव, हकारात्मक वाक्य दूसरा समझा है हमने, ये दूसरे टाइप का होता है, जब कोई कहीं किसी जगह पे जाता है, कोई एक्टिव वॉइस में कोई जगह का इंडिकेशन होता है, कोई प्लेस का इंडिकेशन होता है, तो उसके पहले टू लिखा होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ही गोज टू स्कूल टुडे, वो आज स्कूल जाता है, तो स्कूल एक जगह का नाम है, उसके पहले टू लिखा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर एक्टिव वॉइस दिया तो पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, इसको पहले ब्रेकअप कर लेंगे, ही सब्जेक्ट है, गोस वर्ब है, टू स्कूल ऑब्जेक्ट है, ये एक्स्ट्रा वर्ड है। अब देखिए हमने जो सिखाया है बताया, पहले बात किया कि हम इसको ऑब्जेक्ट को आगे उतार देते हैं, तो अगर हम टू स्कूल लिखे तो ये डजंट रिलेवेंट, ये गलत हो जाएगा, ये नियम के हिसाब से मैच नहीं करेगा, इसलिए अगर ऐसी परिस्थिति में कहीं लिखा गया है, कोई जगह का नाम दिया गया है, तो उसके पहले इट लगा दिया जाता है, ध्यान रखना इट लगा दिया जाता है, सब्जेक्ट दिया फिर इट, और उसके बाद इज, ये इसलिए हो गया क्योंकि एक वचन है इट इज, अब उसके बाद गो, गो का थर्ड फॉर्म क्रिया का थर्ड फॉर्म, जैसे गोस है इसका थर्ड फॉर्म गो वैन गॉन, तो इट इज गॉन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट उतारेंगे यहाँ पे, इट इज गॉन टू स्कूल, और एक्स्ट्रा वर्ड टूडे, और यहाँ पे सब्जेक्ट ठीक है बाय हिम। तो इस तरह से ये होता है, इट इज गॉन टू स्कूल टूडे बाय हिम, ये खास ध्यान रखना, जब कोई जगह को इंडिकेट करता है उसके पहले टी को टू लगा हो, तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह से पहले इट लगा दिया जाता है, उसके बाद इस तरह से चेंज किया जाता है। मेरे ख्याल से
एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है वो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतजार है और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में। अगर आपको कुछ और नए वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।